ईश्वर का द्वार, धर्म का द्वार, मोक्ष द्वार संकीर्ण है, सूक्ष्म है। आप सत किया सब सत, तिस पर प्रभ ते सगली उत्पत। ई जो सगली उत्पत्ति हुई है सत तो, उस परमात्मा तो, ई जो उत्पत्त होया ये भी सत है, भविष्य विच गलती नहीं है, किधरे भूल नहीं है। साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं शरीर की तरतीब देख के, दंद अपनी थां ते ने, अखां अपनी थां ते ने, नक अपनी थां ते सेट, अंदर एक एक नस अपने ढंग नाल कम पई कर दिए, सब कुछ विधानक है। शरीर दे जिथे सब कुछ विधानक चल रहा है, थोड़ा जिहा गहरी बिरति वाला ते हैरान हो जाएगा। भोजन छके है, यही पच के फिर मांस आउंदा है, यही खून बन जाता है, यही चर्बी बन जाता है, यही शक्ति बन जाता है, यही शरीर नू दौड़ाई भजाई फिरदा है। बहुत वड्डा कारखाना है, अंदर फैक्ट्री है, बहुत वड्डी, बड़ा कारोबार चल रहा है, अंदर विधानक ढंग नाल चल रहा है, गैर विधानक कुछ नहीं है। किसे थान जिथे इस पिंड दे शरीर दे सब कुछ विधानक है, ब्रह्मण दे च भी सब कुछ विधानक, गैर विधानक कुछ भी नहीं। शायद एक कहानी आपने सुनी है या नहीं, एक मनुख दोपहर दे वक्त खरबूजिया दे खेत दे च एक अंब दे दरखत दी छां थले बैठा। खरबूजे भी गर्मियां चाहते ने, अंब भी गर्मियां चाहते ने, दरख्तां नू लगे हुए अंब, वेलां नू लगे वड्डे वड्डे खरबूजे ते तरबूज, इन्ने वड्डे वड्डे तरबूज, इन्ने वड्डे वड्डे खरबूजे, उपर अंब। ते बंदा कहिंदा रब नूं वी अकल कोई नहीं, निक्के निक्के अंब, इन्ने वड्डे दरख्त नूं, इन्ने वड्डे वड्डे तरबूज, हिंदवाणे छोटी छोटी बेल नूं, बल्लां नूं, इन्ने वड्डे वड्डे खरबूजे, निक्कियां निक्कियां बेलां नूं, निके निके अंब, इतने वड्डे दरख्त नो, ऐ रब्बा हुण तेनू कौन समझ देवे, तेनू कौन समझावे। इस तरह सोचा सोचदिया सोचदिया अंब दी छां ठंडी हवा नींद आ गई, सौ गया। जोर दे हवा दे झोंके नाल अंब टुटिया, एक पक्का ऐन मत्थे ते गिरिया, हल्की जी चोट लगी, अख खुल गई, ख्याल आया जो उपरों तरबूज गिरदा ते उन्हें भी दुफाड़ होना सी ते मेरा सिर भी दुफाड़ होना सी, रब्बा तू ठीक ही कीता है, थले लाए ने। मनुख नू जिथे जिथे ब्रह्मण देश किधरे गलती दिखाई देवे, वो आप गलत है, गलती नहीं है किधरे। आप सत किया सब सत, तिस परबते सगली उत्पत। वो सत है, उस तो जो कुछ भी होया सत है, सत ईश्वर तो जो कुछ भी होया उस विच गलती नहीं है, सही है, सत दे अर्थ सही है। आप सत किया सब सत, वो जो आप सच है प्रभु, सदीवी है, कायम दायम है, उस तो जो कुछ होया है वो सही है, उस विच भूल किधरे भी नहीं है। तो उदी छाया भी महान है, छाया दी निंदा नहीं, छाया उस दी है, परमात्मा दी है। महामाई ताकी है छाया,
पर छाया च बैठ के जड़ा दरख्त नूं ही भुल जाए, फल तो वांझा रह जाएगा, फुलां दी महक तो भी वांझा रह जाएगा, परमात्मा दे ज्ञान तो वांझा रहेगा, परमात्मा दे गुणां तो वांझा रह जाएगा। परिवार विच बैठ के निरंकार भुल गया है, बस छाया ने भुला दिता। कारोबार विच बैठ के करतार नूं भुल गया है, छाया ने प्रभावित कर दिता। पदार्थां विच बैठ के परमात्मा नूं बिल्कुल भुल गया है, ये वो बंदा है जो कहिंदा छाया ही काफी है। छड्डो दरख्त नूं, की करना है फुल्लां नूं, की करना है फलां नूं, ये छाया ही काफी है, सुख नाल रहिंदे पैणा। इस नूं पंजाबी च कहिंदे ने ए जग मिठा अगला किन दित्ता, छड्डो आई ठीक है। ये परिवार ही बड़ा सुआदला है, ये पदार्थ ही बड़े रसदायक ने, ये कारोबार ही बड़ा महान है, की करना निरंकार में। वो फल दे आनंद तो जिसने भुखा गवा देनिया ने, छाया भुख नहीं मिटाएगी, वक्ती आराम देवेगी, मन की भुख नहीं मिटाएगी। सिर्फ तन दियां लोड़ां पूरियां होणगियां, इस वास्ते देखदे आ पदार्थां नाल कई दफा घर बढ़ता जा रहा है, पर हिरदा तो खाली होता जा रहा है। किस मनुख का कितना हिरदा खाली है, वेख लेना उसका घर कितना भरिया होया है। जनक कोई विरला ही आता है, घर धन नाल भरदा जाए, हिरदा धर्म नाल भरदा जाए, घर पदार्थां नाल भरदा जाए, हिरदा परमात्मा नाल भरदा जाए। घर विच परिवार है ठीक है, पर हिरदे विच निरंकार है। इसनू इंज बयान करदे ने भाई साहब, गरदस्ते मां हमेश पैकार में रवद, मनचों को नमके दिल बसुए यार में रवद। कहिंदे ने मेरे हत्थां नू वेखोगे, पैरां नू वेखोगे, कमकार विच रुझे हुए ने, मेरे पैर कमकार दी तरफ जा रहे ने, मेरे हत्थां विच कम धंधा है। गरदस्ते मां हमेश पैकार में रवद, मनचों को नमके दिल बसुए यार में रवद। पर मेरे मन नु देखो, अपने यार नाल जुड़े आए, प्रभु नाल जुड़े, सुन यार हमारे सज्जन, वो तो उस यार नाल जुड़े आए, परमात्मा नाल जुड़े आए। हथ कम कार दे च ने, मन यार दे च है, ऐसे मनुख का लोक परलोक सुहेला हो जाता है, ऐसे मनुख का संसार ते आना सफल हो जाता है। पर छाया ही सब कुछ है, हुण छाया पकड़ दे च भी नहीं आवेगी। जीवन है, जवानी है, पकड़ दे च नहीं आवेगी। इस वास्ते माया का एक नाम अनर्वचनी है। सतगुरु सलोक दे च कह रहे ने, मौत क्यों नहीं चेते, माया चित भरवेण, इष्ट मित्र एक बांधवे। हुण माया का की रूप है, इष्ट हैरानगी दी गल, मित्र संबंधी, परिवार पदार्थ, ये सब माया का रूप है। पर सुरत परमात्मा नाल जुड़ी हुई है, फल तक हाथ अपड़ गए ने, तन छाया दे च है, मन फल तक अपड़ गया, नाम तक अपड़ गया, ये तो ठीक, पर हाथ छाया नू ही पकड़न दे च लगे बैठा। छाया च है, ध्यान नाल सुनना, हाथ छाया नू पकड़न दे च लगे हुए ने, एदी सारी जिंदगी छाया च ही बर्बाद हो जाएगी, माया च ही बर्बाद हो जाएगी। ये बड़ी हिम्मत दी गल है जो इत्थे मेरे पातशाह ने एक बोल बोले है। परिवार माया है, कारोबार माया है, धन माया है, निंदा नहीं है, पर इष्ट भी माया है। इष्ट जिदी मनुख पूजा करता है, वो क्यों माया? अगर इष्ट देच इतना उलझ गया, परमात्मा नूं भुल गया,
इस वास्ते कलगीधर पातशाह ने अपनी कथा लिखद होया किधरे मैनू इष्ट मन के इत्थे ही रुक जान, अगे जा नहीं ना। इष्ट नू भी माया कह दिता, आया है ते वो भी जाएगा। बड़ी हिम्मत दी गल है गुरु अर्जन देव जी। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी दे कुछ होर बोल भी मैं थोड़े सामने रखा। जिस दिन पहला प्रकाश होया ना दरबार साहब दे च, ताबिया ते बिठाया बाबा बुढ़ा जी नू, आप एक पासे बैठे। दरबार साहब दे अंदर इक्को ही कथा हुई है, वो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आप कीती सी। उस तो बाद भाई गुरदास जी दरबार साहब दे बाहर जिथे बैठ के कथा करते रहे, उस स्थान का नाम पै गया मंजी साहब। आज बहुत वड्डा हाल है, कम से कम भी 25,000 बंदे बैठ सकते हैं, इन्ना वड्डा। हुक्मनामे की कथा उत्थे आउंदी है, रोज आउंदी है। ये भाई गुरदास जी तो चली, भाई मनी सिंह जी करते रहे, अजे तक लड़ी वार चल रही है, अजे तक चल रही है। पर एक कथा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दरबार साहब दे थोड़े ही सज्जन बैठ सकते हैं, जगह थोड़ी है। उन्होंने संबोधन करदे आया जो बचन कहे सन भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ दे लिखे ने, जो सिख जगत का इतिहासक ग्रंथ है। दसां गुरुआं दी कथा कविता दे च, कविता भाई संतोख सिंह जी दे अंदरों इंज निकली है जिवें पहाड़ तो कोई झरना निकल पैंदा है। इन्ना लंबा चौड़ा इतिहास गुरु नानक देव जी महाराज दे प्रकाश तो लैके दसां गुरुआं दियां सारियां जीवन कथावां और सिंघां दे प्रसंग, ये दस पोथियां ने, सारे दा सारा कविता दे च, शायरी दे च। जिवें पहाड़ चो झरना निकलदा है, इस तरह ये गीत भाई संतोख सिंह जी दे अंदरों निकले। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो सिखां नू संबोधन करदे आया, उस दिन जो उपदेश देता है, वो आप सरवण कर लो, कवि संतोख सिंह जी ने लिखे है। महाराज सारिया नू संबोधन करदे आया कहिंदे ने, सतगुर के शरीर है जो सब थान समय सब ना दर्शे हैं। मेरा जिहड़ा शरीर है ना, इहदे दर्शन सारी जगह ते नहीं हो सकदे, सिर्फ एक जगह है। मेरा जिहड़ा शरीर है हर समय भी नहीं है, अज है कल नहीं है। गुरु अर्जन देव जी, सतगुर के शरीर है जो सब थान समय सब ना दर्शे, सारी जगह ते ते सारे समय दे, ये तन नहीं है, ये शरीर नहीं है। फिर हर जगह गुरु चाहिदा है, हर जगह गुरु चाहिदा है। ते हुण आखिया जाए हर जगह गुरु नहीं है, हुण गुरु ब्यास दे च बैठा होवे ते इत्थे दुबई च की करिए, फिर की करिए। फिर गुरु नाल संबंध किवें जोड़िए, किस तरह जोड़िए, ध्यान नाल सुनना। सतगुरु के शरीर है जो सब थान समय सब ना दर्शे हैं, ग्रंथ रिदा गुरु को एहो जानो, उत्तम है सब काल रहे। गुरु ग्रंथ साहब नो गुरु दा हिरदा जानना, गुरु दा मन समझना, ये उत्तम ने, सारी जगह ते ने और हर समय ने।